ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड थ्योरी। अब यहाँ पर देख लो सीटी फर्स्ट फोर पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड है, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट फोर पीरियड फॉर थ्योरी। तुम थ्योरी के पॉइंट अकॉर्डिंग टू थ्योरी तुम कवर कर लो पहले चार पीरियड के लिए। अब ये देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑलरेडी यू हैव प्रोवाइडेड शीट, तुम्हारे लिए शीट ऑलरेडी अवेलेबल तुम्हारे पास है। तो ये देख लो पीरियड नंबर वन क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर वन देख लो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर वन साइन एक्स इंटू टेन एक्स है, देख लो इक्वल टू टेन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस क्या है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होना, जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यू नो वेरी वेल दोस्तों। सब्जेक्ट देख लो, पहले चार पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तुम अकॉर्डिंग टू फोर पीरियड्स और तुम्हारा जो थ्योरी के लिए जो कंप्लीट चैप्टर हुआ है वो पूरे चैप्टर्स के पॉइंट्स एक साथ कवर कर लो, और ये है तुम्हारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने तुम्हारे पास जो थ्योरी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट का शीट से इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आई हैव प्रोवाइडेड यू। देख लो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या देखो, हाँ जनरल सोल्यूशन होना, इसके लिए जनरल सोल्यूशन है ना, सॉल्व करो इसको, साइन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस क्या है, ये टेन एक्स माइनस यानी प्लस साइन एक्स माइनस वन है इक्वल टू जीरो है ना, ये सॉल्व करना है हमें, एक्स का वैल्यू होना जनरल सोल्यूशन यानी व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स होना, इसको लेफ्ट साइड में ले लो, क्या है दोस्तों दोनों में कॉमन टेन एक्स है, क्या बचता है यहाँ पर साइन एक्स, अब कुछ नहीं यानी माइनस वन प्लस, ये दोनों में डिफरेंट कॉमन, एक कॉमन लो साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो है दोस्तों कॉमन, ये दोनों और एक बार कॉमन लो साइन एक्स माइनस वन, ये क्या बचा फिर टेन एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या है ये दोस्तों साइन एक्स इक्वल टू वन, और ये क्या है टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन है ना, साइन एक्स इक्वल टू क्या है दोस्तों वन, देख लो वन साइन एक्स इक्वल टू वन यानी साइन का कौन सा एंगल वन होता है दोस्तों, यू नो वेरी वेल टेबल, हमारा टेबल देख लो साइन नाइनटी यानी वन, टेन एक्स इक्वल टू क्या है ये माइनस वन, वन वन यानी यू नो वेरी वेल पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर यानी टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू वन होता है, देख लो तुम्हारा टेबल जो है स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ देख लो हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारा देख लो, क्या ये टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन, हाँ यू नो वेरी वेल क्या ये साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय टू और टेन एक्स इक्वल टू क्या है दोस्तों ये माइनस माइनस मालूम है ये माइनस माइनस कहां पर है, यू नो वेरी वेल सब जन याद रखो दोस्तों ये क्या है, ये ऑल पॉजिटिव है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट क्या है साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है ये टैन पॉजिटिव और लास्ट क्वाड्रेंट क्या है दोस्तों कॉस पॉजिटिव, यानी पहले इसमें ऑल पॉजिटिव है, अब टैन माइनस वन टैन माइनस एन वन, ये सेकंड क्वाड्रेंट देख लो क्या है ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होना, ये यू नो वेरी वेल क्या है ये सेकंड क्वाड्रेंट यानी व्हाट ये टैन पाई माइनस पाई बाय फोर है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा और लास्ट के लिए कितना होना टू पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा ये पाई प्लस थीटा और ये क्या है ये पाई ये पूरा टू पाई माइनस थीटा क्या ये कितना होता है ये टेन एक्स इक्वल टू कितना ये फोर माइनस वन है ना, सॉल्व करो इसको फोर माइनस वन यानी थ्री पाई बाय फोर। अब क्या है जनरल सोल्यूशन साइन साइन और टेन टेन के लिए जनरल सोल्यूशन है ना तुम्हारे पास शीट अवेलेबल है, क्या है ये साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा साइन है ना साइन सॉरी देख लो साइन थीटा इक्वल टू क्या है ये साइन अल्फा क्या होना थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा यानी थीटा इक्वल टू मालूम है
एन पाई प्लस माइनस वन इज टू एन इक्वल अल्फा। अब टेन टेन के लिए टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, यानी यू नो वेरी वेल थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा है। दो पॉइंट्स देख लो टेबल में है हमारे पास, शीट में है तुम्हारे थ्योरी के लिए ऑलरेडी। यू हैव सीन दिस वन साइन साइन, यानी दिस वन साइन साइन है ये। चलो यहाँ पर ये एक्स इक्वल क्या है दोस्तों, एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन, ये अल्फा अल्फा यानी क्या है पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू है। अब ये टेन के लिए देखो ये टेन टेन का टेन टेन के लिए थीटा थीटा यानी दिस वन, ये देख लो क्या है ये एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा यानी क्या है दोस्तों थ्री पाई बाय फोर है। देख लो क्या है तुम्हारे पास है एन पाई है ना, ये देख लो कहां पर है एन पाई प्लस माइनस वन इज टू नाइन, माइनस वन इंटू नाइन डी, और ये थ्री पाई बाय फोर दोस्तों कहां पर है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड देख लो केयरफुली, ऑप्शन देखते जाओ क्वेश्चन देखते जाओ ऑप्शन देखते जाओ, क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट, देयर आर लिमिटेड क्वेश्चंस फॉर यू दोस्तों। इसके लिए मैंने लिमिटेड 100 क्वेश्चन का शीट प्रिपेयर किया है तुम्हारे लिए। आफ्टर लॉकडाउन वी विल सी और बहुत सारे क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ देखो फिलहाल क्या है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो दोस्तों क्या है ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हाँ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो आप, तुम क्वेश्चन देखते जाओ क्या है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड टेन थ्री एस, टेन थ्री एस इक्वल टू वन, टेन थ्री एस इक्वल टू वन देन हमें क्या होना दोस्तों, एक्स इक्वल टू होना, टेन थ्री एस इक्वल टू वन है एक्स का वैल्यू होना कुछ नहीं, यानी जनरल सोल्यूशन क्या है ये टेन थ्री एक्स, इधर टेन आएंगे वन यानी टेन का कौन सा एंगल है वन यानी टेन, यू नो वेरी वेल टेन फोर्टी फाइव यानी पाई बाय फोर है, वन यानी टेन पाई बाय फोर, फिर टेन टेन के लिए सोल्यूशन और नहीं है, वी नो जनरल सोल्यूशन ऑफ टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, ये तुम फिलहाल ये तुम खुद नोट करते जाओ थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ये नोट करते जाओ टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा यानी व्हाट, थीटा इक्वल टू व्हाट एन पाई प्लस अल्फा, हाँ क्या है दोस्तों थीटा यानी व्हाट थ्री एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा यानी पाई बाय फोर है। कंपल्सरी याद रखो एन बिलोंग्स टू कंपल्सरी क्षण होना यानी इंटीजर्स, हाँ यानी एक्स इक्वल क्या है दोस्तों देख लो ये थ्री पाई 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 बाय एन पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय ट्वेल्व है, हाँ देख लो, हाँ तुम इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आता दोस्तों ये थ्री फोर आता ना, एलसीएम ले लो ये फोर से ऊपर मल्टीप्लाई फोर से नीचे ट्वेल्व होता ना, फोर एन प्लस वन इन टू पाई बाय ट्वेल्व है, ये है तुम्हारे लिए फोर एन प्लस ट्वेल्व प्लस वन इंटू पाई बाय ट्वेल्व, यानी लास्ट ऑप्शन दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कॉस ऑफ थ्री थीटा प्लस एट कॉस क्यूब थीटा है इक्वल टू जीरो, देख लो दोस्तों ये कॉस थ्री थीटा इक्वल टू एट इंटू कॉस क्यूब थीटा है। हाँ फिर ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा देख लो आप कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला यू नो क्या ये फोर कॉस थ्री थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा है, फिर क्या आता है ये, हाँ ये क्या है ये कॉस थ्री थीटा के लिए फोर कॉस क्यूब थीटा प्लस एट, हाँ क्या ये देख लो ये माइनस थ्री कॉस थीटा प्लस एट कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू जीरो है। अब इसको सॉल्व करो कितना होता है ये फोर प्लस एट है ना, ये फोर प्लस एट है ट्वेल्व कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा है इक्वल टू जीरो, फिर क्या आता है ये है ये थ्री कॉस थीटा कितना है थ्री फोर दा फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, फिर थ्री कॉस थीटा इक्वल टू जीरो और ये फोर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाय फोर है दोस्तों, वन बाय फोर यानी वन बाय टू का कितना आता स्क्वायर आता
तो क्या ये देख लो ये कॉस स्क्वायर थीटा वन बाय टू कॉस यानी कॉस होना मालूम है ये वन बाय टू यानी क्या है कॉस वन बाय टू यानी पाई बाय थ्री मालूम है दोस्तों कि सॉल्यूशन क्या है हमारे लिए नो वेरी वेल जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या है फर्स्ट वन यू शुड नो फॉर्मूले याद रखो दोस्तों हाँ क्या है ये शीट पहले शीट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट शीट तुम्हारे पास होना क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या है दोस्तों ये क्रॉस थीटा इक्वल टू जीरो और क्रॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल क्या है क्रॉस स्क्वेयर पाई बाय क्या है फिर चलिए मान लीजिए क्रॉस थीटा इक्वल टू जीरो यानी थीटा इक्वल टू क्या है ये टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू प्लस माइनस चलेगा देख लो क्या ये देन फिर ये क्रॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्रॉस स्क्वेयर अल्फा क्या होता है ये थीटा इक्वल क्या है टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा है वही नो ये हमें मालूम होना ये क्या है कॉस थीटा इक्वल टू जीरो जनरल सॉल्यूशन ऑफ जीरो यानी 90 मल्टीपल ऑफ 90 टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू और ये स्क्वेयर स्क्वेयर के लिए क्या है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा ठीक क्या ये देख लो क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन है टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू ये फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए क्या है दोस्तों ये है ना क्या ये हमारा थ्री थीटा है ये क्या है कॉस थीटा है कॉस थीटा इक्वल टू जीरो देख लो क्या है कॉस थीटा इक्वल टू जीरो यानी व्हाट क्या था ये थीटा को क्या है ये एन पाई टू एन पाई प्लस माइनस क्या है ये पाई है देख लो दोस्तों ऑप्शन नंबर देख लो बराबर क्या है ये कॉस थ्री थीटा का वैल्यू है ये एज इट इज है ये देख लो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड हाँ देन क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड है देख लो ऑप्शन बराबर हाँ देन क्या है नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट देख लो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर देख लो हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर फोर में क्वेश्चन नंबर फोर के लिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन टू एक्स इक्वल टू वन बाय टू है क्वेश्चन नंबर फोर के लिए दोस्तों हाँ क्वेश्चन नंबर फोर के लिए जनरल सॉल्यूशन देख लो हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर फोर के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या है ये साइन टू एक्स साइन ये लेफ्ट साइड में साइन है ना राइट साइड में साइन होना वन बाय टू यानी साइन का कौन साइन है वन बाय टू यानी साइन पाई बाय सिक्स टेबल ए नाइन्थ टेंथ और इलेवेंथ और हम थ्री में भी देख चुके हैं ये टेबल है टेबल से वैल्यू ले लो साइन साइन के लिए सोल्यूशन दोनों अवेलेबल साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा यानी वॉट थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन स्क्वायर इनटू अल्फा हाँ क्या है दोस्तों टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन स्क्वायर इनटू अल्फा यानी पाई बाय सिक्स है फिर इसको ले लो नीचे दो ले लो नीचे एक्स इक्वल टू एन पाई बाय टू प्लस माइनस वन स्क्वायर पाई बाय टू है ये ये है हमारे लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी देन फिफ्थ के लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए कॉस टू एक्स इक्वल टू वन बाय रूट टू है कॉस टू एक्स इक्वल टू वन बाय रूट टू दोस्तों देख लो कॉस टू एक्स इक्वल टू वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू यानी पाई बाय फोर कॉस ये वन बाय रूट टू ये लेफ्ट साइड में कॉस है ये कॉस ही होना वन बाय रूट टू यानी कॉस पाई बाय फोर अब देख लो क्या ये कॉस कॉस का सोल्यूशन मालूम है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है वी नो वेरी वेल यहाँ पर देख लो क्या है ये टेबल जनरल सॉल्यूशन क्रॉस क्रॉस के लिए क्या होता है थीटा इक्वल टू क्या है ये टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा है ना ये टेबल देख लो हमारा जनरल सॉल्यूशन का टेबल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा यानी पाई बाय फोर है ले लो नीचे है ना और ये दो है ना दो से डिवाइड करो एक्स इक्वल टू
टू वन जा टू प्लस माइनस फाइव बाई एट टू नीचे आता ना, यानी फाइव बाय फोर इंटू एट टू, यानी ये नीचे ले लो फोर टू जा एट, ये है प्लस माइनस एट, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए ऑप्शन नंबर ए। हाँ फिर हाँ क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए ऑप्शन नंबर ए देन देन। और देख लो क्या है ये, तो फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए क्या है, क्रॉस ऑफ फोर ईयर इक्वल टू क्रॉस ऑफ टू ईयर है, क्रॉस क्रॉस देख लिया ना अभी, क्रॉस क्रॉस के लिए वही नो वेरी वेल, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा क्या है दोस्तों, कॉस कॉस के लिए थीटा इक्वल क्या है ये टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर फोर ईयर इक्वल क्या है ये, फोर ईयर इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी टू एक्स है, फोर ईयर इक्वल टू टू एन पाई प्लस टू एक्स, और फोर ईयर इक्वल टू टू एन पाई माइनस टू एक्स, फोर माइनस टू, फोर माइनस टू यानी टू एक्स है, कितना था ये टू एक्स इक्वल टू टू एन पाई, और ये सिक्स एक्स इक्वल टू टू एन पाई है। फिर क्या है दोस्तों, ये टू टू कैंसिल हो रहा है ना, एक्स इक्वल टू क्या है एन पाई है, टू टू विल गेट कैंसिल, सिक्स नीचे जाता रहे, एक्स इक्वल क्या है एन पाई पाई, कितना आता है थ्री, एन पाई बाय एन पाई बाय थ्री, एन पाई और एन एम पाई, एन पाई एम पाई चले ना, एम एन कुछ भी बोल दो, एम पाई और एन पाई बाय थ्री, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए ऑप्शन नंबर ए, अब क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन रूट थ्री क्या है ये, रूट थ्री कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू वन, ये लास्ट पॉइंट है जनरल सॉल्यूशन का, ये लास्ट पॉइंट है, साइन क्रॉस ऐसा कुछ रहा तो प्लस माइनस में रहा तो दोस्तों कंपल्सरी याद रखो डिवाइडिंग है, क्या ये यू नो वेरी वेल, कॉस साइन कंपल्सरी प्लस माइनस में रहा तो डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वेयर, यानी रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री, कुछ नहीं यानी वन, वन का स्क्वेयर वन है, ए ए स्क्वेयर वन वन दोस्तों, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी रूट थ्री का स्क्वेयर यानी थ्री, वन का स्क्वेयर वन, फोर यानी टू, डिवाइड करो इसको पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो, क्रॉस ईयर्स इनटू रूट थ्री बाय टू माइनस क्या है साइन ईयर्स इनटू वन बाय टू इक्वल टू वन बाय टू है दोस्तों, क्या है फॉर्मूला ये, क्रॉस ईयर्स क्रॉस क्रॉस साइन साइन है एडिशन फॉर्मूले, क्रॉस क्रॉस साइन साइन क्रॉस क्रॉस के लिए फॉर्मूला क्या है ये, क्रॉस रूट थ्री बाय टू यानी फाइव बाय सिक्स माइनस साइन ईयर्स इनटू वन बाय टू यानी व्हाट, साइन फाइव बाय सिक्स इक्वल टू वन बाय टू, वन बाय टू है ना, वन बाय टू है, कॉस कॉस साइन साइन फॉर्मूला क्या है दोस्तों मालूम है सबके लिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा है फॉर्मूला, यू नो सबके लिए फॉर्मूला याद रखो, सब जगह फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले होना कंपल्सरी, फॉर्मूले होना यू शुड नो, फॉर्मूले देख लो, देखते जाओ अपने आप कवर हो जाते हैं फॉर्मूले ऑनली राइट, हर बार 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 नोट करते जाना, यू विल गेट फॉर्मूला अपने आप कवर हो जाता है, फॉर्मूला क्या है कॉस कॉस के लिए, कॉस ऑफ क्या ये एक्स माइनस एन ए प्लस फाइव बाय सिक्स इक्वल टू साइन है दोस्तों, इधर लेफ्ट साइड में क्रॉस है ना तो राइट साइड में क्रॉस होना, वन बाय टू यानी क्रॉस का एंगल मालूम है, वन बाय टू यानी क्रॉस फाइव बाय थ्री, अब क्रॉस क्रॉस के लिए था ना सोल्यूशन, क्रॉस क्रॉस के लिए यू नो वेरी वेल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, फॉर क्रॉस क्रॉस थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा है, ये क्रॉस क्रॉस यानी जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस, फिर एक्स प्लस क्या है ये फाइव बाय सिक्स इक्वल टू क्या है टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा यानी फाइव बाय थ्री, एक्स रूट क्या है टू एन पाई प्लस फाइव बाय थ्री प्लस यानी माइनस फाइव बाय सिक्स, एक बार
then x equal to क्या है 2n pi minus pi by 3, ये plus pi by 6 क्या था उधर minus pi by 6 है। फिर कितना है दोस्तों ये x equal to 60 minus 30 यानी pi by 3 यानी 60, pi by 6 यानी 30, 60 minus 30 यानी 30, 2n pi plus pi by 6 और x equal to क्या है ये 2n pi 60 30 90 माइनस पाई बाय 2 देख लो ये 2n पाई प्लस पाई बाय 6 और 2n माइनस पाई बाय 2 है ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए। देन ऑप्शन नंबर 8 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आओ। हां देख लो क्वेश्चन नंबर 8 हां क्या है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 हां हां क्या है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आओ, cos थीटा इक्वल टू -1/2। हां माइनस कहां पर होता है दोस्तों, माइनस ये क्या है थीटा कैसा होना 0 और 360 के बीच में, सब जन याद रखो ये हमारा प्लेन है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, सब जन सबको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट यानी साइन पॉजिटिव है, हां थर्ड में क्या है दोस्तों टैन पॉजिटिव और लास्ट में क्या है क्रॉस पॉजिटिव, सुनो वेरी वेल, ऑल ऑल पॉजिटिव यानी है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज आर पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव रेस्ट ऑफ आर नेगेटिव, टैन पॉजिटिव रेस्ट ऑफ टैन कॉट पॉजिटिव रेस्ट ऑफ आर नेगेटिव, यहां पर क्या है कॉस पॉजिटिव यानी सेक पॉजिटिव रेस्ट ऑफ आर नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा होना दोस्तों, इसके लिए पाई प्लस, इसके लिए 2 पाई है ना, ये 180 होता है, 180 यानी पीछे यानी माइनस, ये 180 आ गया यानी प्लस है ना, अब ये यहां पर क्या होता है ये 2 पाई माइनस, हां हां देख लो क्या है क्रॉस माइनस कहां पर है, क्रॉस माइनस यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट में 1/2, सेकंड क्वाड्रेंट में 1/2, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या है दोस्तों cos थीटा इक्वल टू 1/2 मान लो, नहीं ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में क्या होना पाई माइनस 1/2 का एंगल बोल दो पाई बाय 3 है, देन cos नेगेटिव कहां पर है यहां पर लास्ट में प्लस है यानी थर्ड में नेगेटिव, थर्ड यानी व्हाट पाई प्लस, थर्ड के लिए क्या है पाई प्लस है ना, cos थीटा यानी व्हाट cos क्या होता है ये पाई प्लस पाई बाय 3 है। देखो दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस पाई बाय 3, देन थर्ड में भी cos माइनस यानी पाई प्लस, ये पाई प्लस यानी पाई प्लस पाई बाय 3, क्या है दोस्तों ये cos है 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाय 3 और ये 3 है ना, ये 3 प्लस 1 ये 3 एलसीएम ले लो, ये 3 प्लस 1 कितना होता है ये cos 4 पाई बाय 3 है, 4 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 मालूम नहीं है, 2 पाई बाय 3 यू नो मालूम है, ये 2 पाई बाय 3 यानी 2 इनटू 180 बाय 3 कितना होता है ये 6 यानी 120 आता, एंड 4 पाई बाय 3 मालूम है सबको 4 इनटू पाई यानी 180 बाय 3 है, ये 6 यानी कितना था 240 है, 240 और 120, 120 और 240 यानी ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, देख लो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर सी, देन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आवाज, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो आप, हां सी केयरफुली क्वेश्चन नंबर 9 देख लो दोस्तों, हां ईच एंड एवरी क्वेश्चन तुम देखते जाओ भाई, जब तक यहां पर ये रफ होगा तब तक तुम क्वेश्चन देखते जाओ, पहले मैं तुम्हारे लिए शीट प्रोवाइड ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड यू स्पेशल शीट है दोस्तों याद रखो, हां देन हां क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आओ, 9 यानी व्हाट cosec 3x equal to minus 2 by root 3 है, cosec यानी व्हाट दोस्तों क्या है ये sin 3x equal to minus 3 by 2,
एक कोसेक का रेसिप्रोकल है साइन, इसको उल्टा है। हाँ क्या ये साइन माइनस है ना, देखो ये जनरल सॉल्यूशन होना, ये माइनस रूट थ्री बाय टू यानी क्या ही है, रूट थ्री बाय टू यानी पाई बाय थ्री है, रूट थ्री बाय टू यानी पाई बाय थ्री। ये साइन थ्री एक्स है, माइनस कहां पर होता है, साइन माइनस मालूम है, पहला प्लस है साइन, दूसरा प्लस है, तीसरा माइनस है, ये दोनों ऑल प्लस है, यहाँ पर साइन प्लस, यहाँ पर क्या है टेन पॉजिटिव यानी साइन निगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है पाई प्लस पाई बाय थ्री है दोस्तों। माइनस साइन है, माइनस कहां पर होता है, पहले में ऑल प्लस है, सेकंड में साइन प्लस है, थर्ड में साइन माइनस, थर्ड के लिए क्या है ये पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कंपल्सरी होना दोस्तों पाई प्लस है, ये पाई माइनस इतना ही है, ठीक है क्रॉस कर दो क्रॉस है, थ्री प्लस वन कितना होता है ये थ्री पाई प्लस पाई, साइन फोर पाई बाय थ्री है दोस्तों। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, यू नो वेरी वेल थीटा इक्वल क्या है एन पाई प्लस माइनस वन एस थ्री एन इंटू अल्फा। क्या है दोस्तों ये थ्री एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन एस टू एन अल्फा, एन कितना है फोर पाई बाय थ्री, एक्स इक्वल क्या है ये एन पाई बाय थ्री, तीन नीचे लो ऐसा तीन नीचे लो थे फोर पाई बाय थ्री थी था नाइन, एन बिलोंग्स टू क्या है ये एन बिलोंग्स टू सेट। देख लो फोर पाई बाय नाइन यानी क्या ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए लास्ट ऑप्शन दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर टेन देख लो आप, क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन के लिए आप देख लो क्वेश्चन नंबर टेन, हाँ क्वेश्चन नंबर टेन के लिए दोस्तों टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन एंड कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है टेन नंबर के लिए, मोस्ट सेटिस्फाइंग वैल्यू फॉर बोथ इक्वेशन, दोनों के लिए थीटा का वैल्यू कॉमन वैल्यू कौन सा है, टेन माइनस है क्रॉस प्लस है दोस्तों, कहां पर है देख लो सज्जन टेन माइनस क्रॉस प्लस है ना, लास्ट क्रॉस क्रॉस प्लस है यानी टेन माइनस, ये टेन माइनस क्रॉस प्लस यू नो वेरी वेल एड शुगर टू क्रॉस यानी सी यानी क्रॉस पॉजिटिव यानी टेन माइनस क्या है वन, मालूम है वैल्यू वन, वन कौन सा एक्चुअली वन, वन यानी व्हाट कितना है ये वन यानी टेन थीटा इक्वल टू वन यानी व्हाट यू नो वेरी वेल पाई बाय फोर यानी फोर्टी फाइव डिग्री है, देख लो क्या ये फोर्टी फाइव डिग्री है ना, हाँ यहाँ पर क्रॉस पॉजिटिव और टेन निगेटिव यानी लास्ट क्वाड्रेंट, लास्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या ये कंप्लीट देख लो लास्ट क्वाड्रेंट यानी टू पाई माइनस थीटा यू नो वेरी वेल, ये पूरा क्या होता है टू पाई यानी टू पाई माइनस थीटा, क्या ये टू पाई माइनस थीटा यानी पाई बाय फोर, क्या ये टू फोर द एट माइनस वन यानी व्हाट सेवन पाई बाय फोर, देख लो ऑप्शन कौन सा है तुम्हारे पास सेवन पाई बाय फोर, हाँ सेवन पाई बाय फोर के लिए है ना, जब मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन देख लो दोनों के लिए कॉमन क्रॉस का है ना, यानी सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में देख लो कॉमन है टू एन पाई प्लस सेवन पाई बाय फोर, ये ऑप्शन नंबर सी। हिंदी से यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 से हम सेकंड पीरियड में कंटिन्यू करेंगे।